हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर अजमल खान साहब हैं और ये न्यूजीलैंड की एक रिसर्च में सीनियर साइंटिस्ट हैं और अभी हम 75th जो सेलिब्रेशन है पाकिस्तान की, इसमें आए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे पंजाबी में। डॉक्टर साहब, तुम की महसूस कर रहे हो 75th इंडिपेंडेंस डे से मना रहे हैं और इन्नी दूर असं पाकिस्तान चो, हाँ फिर की सिग्निफिकेंस है दी? शुक्रिया जी। असं इतने सारे इस शहर के कट्ठे हाँ, 75वां पाकिस्तान की सालगिरह मना रहे हैं और लोग इतने, छोटा जहा शहर है न्यूजीलैंड का, पमसर नॉर्थ है नाम, तो इतने तकरीबन पाकिस्तानी 40-50 फैमिलियाँ मौजूद आ जिहड़ियां कि पिछले कोई 40-50 साल तो इतने रह रही हैं। उन्हां दी सैकेंड और थर्ड जनरेशन है इतने, वो सारे इकट्ठे हुए आ। तो की कहते हैं, असी फ्लैग होस्टिंग की है, नैशनल एंथम पढ़िया गया, बच्चों ने बलून जड़े प्रिपेयर किए, खवातीन ने बहुत सारा जड़ा केक बनाया और की कहते हैं अपना चीज़ा ने उन्होंने दसया जा रहा है कि अज ता मुल्क जड़ा वो इस दिन आज़ाद होया सी, मतलब की है साढ़े वास्ते। ये असी न्यूजीलैंड का एंथम भी पढ़िया और वह भी बच्चों ने दोनों लैंगुएज, मारूई लैंगुएज और इंग्लिश लैंगुएज पढ़िया और की कहते हैं दस्या गया कि कहते हैं को एग्जिस्टेंस जी है, रल के रहना, जरा रल मिल के रहना वो की है, टॉलरेंस की है और किसी भी सोसाइटी के एक दूसरे का ख्याल रखना जरा वो कि जरूरी हैगा। बेहतरीन बेहतरीन। सर, नवी नसल तुम की देख रहे हो कि जी नवी नसल है, बहुत ज़्यादा बच्चे अभी देख रहे हैं, बहुत छोटी छोटी उम्र के, तो उन्होंने वास्ते की मैसेज है कि वो किन्ने ज़्यादा पाकिस्तान की इस तरह के इवेंट अटैचमेंट उन्होंने होगी और न्यूजीलैंड की जी सोसाइटी है उस कि ज़्यादा वो एडजस्ट भी कर सकेंगे प्रॉपर? तुम देखा होना साढ़े को कहते हैं बच्चे जोड़े साढ़े यूनिवर्सिटी गोइंग टू लैके किंडर गार्डन तक है इतने, तो की कहते हैं अपना वो अपने घर हर तरह की लैंग्वेज जी पाकिस्तान जितों आए आ, उन्होंने पेरेंट्स वो भी बोलते आ, उर्दू भी बोलते आ। उस तो बाद इतने जो स्कूल आ काफ़ी मल्टी कल्चरल आ, बहुत सारे चीज़ा जो अपने पीयर को सीख रहे हैं और उन्होंने यह पता कि कहते हैं असी एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी के जड़ा वा रह रहे हैं और एक मल्टी कल्चरल जड़ा असी एक दूसरे के लैंग्वेज के डिफरेंसिज आ, साढ़े कलर के डिफरेंसिज आ, साड़ी खाण पीन के डिफरेंसिज आ, लेकिन वो डिफरेंसिज अपनी जगह पर आ, लेकिन असी एक दूसरे के दोस्त हाँ, असी रल मिल के रहना और की कहते हैं अपना जड़ा एक दूसरे नू सोशली और सपोर्ट करना। तो उन्होंने मतलब कि पाकिस्तान का बड़ा यह दिन स्पैशली असी इतने इतने मनाने ताकि उन्होंने इस गल का एहसास होए कि ताड़ी की कहते हैं पाकिस्तानी जी पाकिस्तानीयत आ और पाकिस्तान क्यों आज़ाद होया, ताड़े जिहड़ियां पिछलियां जनरेशन सी उन्होंने किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां। इस तो बाद असी की कहते हैं फ्लैग होस्टिंग तो बाद पाकिस्तान एम्बैसी जावांगे और उस तो पहला दरम्यान दे विच असी, क्योंकि 75वीं सालगिरह, असी 75 दरख्त लगाने हैं और उस तो बाद शाम नूं पाकिस्तानी एम्बैसी जी वेलिंगटन था उन्होंने होस्ट किया डिनर जिस पाकिस्तानी तमाम शहरों के इकट्ठे होंगे और उत्थे बड़ी सैलीब्रेशन होगी। बेहतरीन सर, बहुत बहुत टैक तुहाडा देण वा, बहुत टाइम मजीद ही लवेंगे, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मजीद मुलाकात रहेगी। थैंक यू।